नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज भारतीय इतिहास की अहम तारीख है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज होगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। अवधपुरी का चप्पा चप्पा इस वक्त राममय नजर आ रहा है। हर ओर बस राम धुन सुनाई दे रही है। अयोध्या की हर तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से राम की प्राण प्रतिष्ठा में पलक पावड़े बिछाए इस वक्त लोग बैठे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 11 दिनों का जो अनुष्ठान था वो पूरा हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:25 पर अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सीएम समेत 5 लोग गर्भगृह में उपस्थित होंगे। 121 आचार्य वहां पर मौजूद होंगे। और ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये अयोध्या की तस्वीर है। ये अयोध्या की तस्वीर है। 14 वर्ष का त्रेता युग में वनवास काटकर जब भगवान राम पहुंचे थे तो जिस तरह की खुशी थी, आज तो 500 सालों का इतिहास जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है। इसलिए जोश और उत्साह आप देख सकते हैं राम भक्तों में किस तरीके का है। पारंपरिक लोक नृत्यों से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज चुकी अयोध्या। सारे लोग खुश हैं कि आज टाट से ठाठ में, यानी कि आज एक भव्य दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होने वाले हैं। और विराजमान हो जाएंगे जब, तो सोचिए कि वो कैसा क्षण और पल होगा। और इसका इंतजार लोग सालों साल करते आए, अब वो दिन आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा का वो शुभ मुहूर्त भी अब बहुत करीब आ गया है। प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे 10:30 और आज उनका कई कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ पूजा पाठ का दौर चलेगा। 5 लोग गर्भगृह में होंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत होंगे, आनंदीबेन पटेल होंगी, और जो कि रामलला की सेवा करते अब तक आए हैं वो वहां पर होंगे, यानी कि मुख्य पुजारी होंगे रामलला मंदिर के। और प्राण प्रतिष्ठा का वो दौर भी हम देखेंगे अपनी आंखों से। सपना साकार होता लोगों का नजर आ रहा है। सदियों का सपना आज साकार हो रहा है। राम भक्तों की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री को हमने देखा कि कल ही वो पहुंच गए थे अयोध्या। अयोध्या पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने के बाद जो भी चीजें थी उसका जगह जगह जाकर वो जायजा ले रहे थे। और इस वक्त सरयू तट से मेरी सहयोगी आस्था जुड़ी हुई है। सीधे चलते हैं आस्था के पास। आज भारत के इतिहास की बहुत ही अहम तारीख है क्योंकि आज वो दिन है जब ये नया इतिहास आज लिख दिया जाएगा। करीब 500 साल बाद रामलला के भव्य और नव्य मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके लिए अवधपुरी पूरी तरीके से राममय हो चुकी है। चप्पे चप्पे पर रामधुन सुनाई दे रही है। रामायण और सिया राम के रंग हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। हर कोई झूम रहा है। उल्लास, उत्सव और उमंग से भरा हुआ है और इससे जुड़ी हुई हर एक तस्वीर न्यूज 18 आपको लगातार दिखा रहा है। सरयू घाट पर, यानी राम की पैड़ी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आज शाम प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो दिवाली मनाई जाएगी, जो राम ज्योति जलाई जाएगी, यहां पर उसकी तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 10 लाख से ज्यादा दिए यहां पर जलाए जाएंगे, जिसको लेकर अभी से ही तैयारी तेज कर दी गई है। मेरे ठीक पीछे उन दियों को यहां पर लाकर के एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है और बहुत जल्दी वॉलंटियर इसको सजाना शुरू कर देंगे। और देखिए, यहां पर राम की पैड़ी पर अब श्री राम का जिक्र हो रहा है तो वानर सेना कैसे ना हो। यहाँ बहुत सारे बंदर जो हैं वो इस वक्त आ गए हैं, लेकिन क्या है, उत्साह उमंग का मौका है। तो यहाँ पर जिस तरीके का माहौल इस वक्त है उसमें ये जो वानर सेना है कहीं ना कहीं चहलकदमी करते हुए, उछल कूद करते हुए नजर आती है। अयोध्या की हर तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं देश और दुनिया से राममय लोक किस तरह सजाया जा रहा है, किस तरह उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत उत्साहित
से और वृंदावन से आए हैं और आज तो हमारे श्री राम लला विराजमान हो रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो एक अलग ही उत्साह बना हुआ है सभी आर्टिस्ट के फेस पे, आप देख सकते हैं खूब आनंद आ रहा है। हम लोग वृंदावन से हैं, वैसे तो हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन और अब सीधे आपको लिए चलते हैं आज अयोध्या में चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 के रिपोर्टर तैनात हैं जो यहां का हर रंग और हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम रुक करेंगे टेंट हाउस से, राजीव सिंह हमारे साथ हैं, वीवीआईपी गेस्ट हाउस यानी राम मंदिर के पास से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी हमारे साथ हैं और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आज राम रंग का ये उत्सव सिर्फ अवधपुरी अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में छाया हुआ है। सबसे पहले हम रुक करते हैं ऋषभ मणि का। ऋषभ मणि, वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर आपकी मौजूदगी है, आज जब प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी तो करीब 8000 से ज्यादा मेहमान उस वक्त मौजूद होंगे और कल शाम की बात करें तो वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला रात तक लगातार जारी रहा। कौन कौन से मेहमान अयोध्या में पहुंच चुके हैं और किस तरह मूवमेंट आज उनकी रहने वाली है? आशा देखिए, 22 जनवरी 2024 का ऐतिहासिक दिन है, पीढ़ियों की प्रतीक्षा पूरी हुई है और संघर्ष से सिद्धि तक पहुंचने का आज दिन है। तमाम वीआईपी इस वक्त अयोध्या में आ चुके हैं, अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का नाम बताया जा रहा है, ये सभी लोग हैं जो पहुंचेंगे आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, जिनको बुलाया गया है। हालांकि तमाम सुरक्षा कारणों की वजह से मीडिया को वहां जाने से रोका भी जा रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी के बाहर मौजूद हूँ, हनुमानगढ़ी में भी सुबह से ही तमाम जो श्रद्धालु हैं उन वो दर्शन करके यहाँ से लौट रहे हैं, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। हनुमानगढ़ी से चंद कदम आगे ही राम जन्मभूमि परिसर है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा पूरी सड़क को दिखाएं कि किस तरह से इसको सजाया गया है और जो संघर्ष जो पूरा हुआ है। हम अगर इस पूरे संघर्ष की बात करें तो 1528 में जब बाबर के इशारे पर मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनवाई थी और फिर 1885 में निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर के निर्माण के लिए पहला केस दर्ज कराया था। वर्षों तक कोर्ट में मुकदमा चला और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विवादित केस राम लला की जन्मभूमि माना। इसके बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और अब प्राण प्रतिष्ठा का बिल्कुल ये है अयोध्या का इतिहास जो संघर्ष शुरू हुआ था आज सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल ऋषभ मणि, आपने तो जो है वो कई शताब्दियों का इतिहास जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रख दिया और आज इस पर बात करना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये जो संकल्प से लेकर संघर्ष से लेकर सिद्धि तक की यात्रा है उसको कितने संयमित तरीके से संविधान के दायरे में रहकर लड़ा गया, इतनी शांतिपूर्वक लड़ा गया, इसीलिए वो उत्साह दोगुना हो जाता है, उसकी खुशी कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है जब एक खुशी के माहौल में एक संयमित माहौल में उत्सव मनाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आचार्य मधु जी है हमारे साथ, बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका न्यूज 18 पर। संतों की भावनाएं हम यहाँ बहुत दिनों से पूछ रहे हैं क्योंकि संतों का भी लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन आज का दिन जब प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए, जो ये तस्वीर हम सजे हुए भव्य और राम मंदिर की देख रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगा, महिमा कितनी बढ़ जाएगी? देखिए, अवध की महिमा जो है, अयोध्या इसका नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि आज तक इस पर किसी ने विजय नहीं प्राप्त कर पाया। यहाँ सनातन धर्म ध्वज हमेशा जो है हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से फहराता रहा। आज एक ऐसी शुभ घड़ी आई है 2024 में, ये पावन पवित्र मुहूर्त जो माघ महीने में निकाला गया है, द्वादशी तिथि है आज, और द्वादशी तिथि के पावन पर्व पर आप समझिए कि राम जी जब अपने सुंदर से भव्यतम आवास में विराजमान होंगे और वहां से सनातन का परचम लहराएगा तो वो पूरे विश्व का एक अध्यात्म का केंद्र माना जाएगा। दूसरा ये कि आध्यात्मिक नगरी अयोध्या जो कई 100 वर्षों अर्थात 500 वर्ष तो बताया जा रहा है, इससे अधिक कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतने दिनों की तपस्या आज फलीभूत होती दिखाई दे रही है और इस तपस्या के क्रम में वहां पर जो इसका श्रेय जाता है
उस राम मंदिर में जितने भी कार सेवक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, तत्पश्चात जो आज मंदिर को बनाने में कहीं ना कहीं यदि देखा जाए कि जो पत्थरों का निर्माण कर रहे थे जो कार्यकर्ता हमारे जो कार सेवक लग करके काम कर रहे थे, ये सरकार से ज्यादा कहीं ना कहीं उनके ऊपर श्रेय जाता है क्योंकि कम समय में उन्होंने एक भव्यतम माहौल को तैयार किया। जी 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 बिल्कुल आचार्य जी, देखिए बहुत सारे वर्ग जो इस संघर्ष में शामिल रहे, किसी वर्ग ने कानूनी लड़ाई लड़ी, किसी ने शांति और संयम के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, किसी ने अपने प्राणों की आहुतियां दी और आज ये उन्हीं के ही उस संघर्ष का और संकल्प का नतीजा है कि आज इस सिद्धि तक ये दिन आ पहुंचा है कि रामलला अपने भव्य और नव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से हैं, काशी है शिव की नगरी है उपेंद्र, वाराणसी वहां पर किस तरह राम रंग देखने को मिल रहा है, कैसे काशीवासी राम आगमन का उल्लास मना रहे? खास करके उदय होने से पहले आज राम उत्सव में काशी का उदय हो गया है। उस वक्त देखिए जय श्री राम के नारे से ये युवा काशी से है तो आज शिव की काशी, क्योंकि राम शिव के आराध्य है, शिव राम के आराध्य है, तो आज अयोध्या के साथ शिव काशी के लिए कितना बड़ा दिन है? बहुत बड़ा दिन है आज, ये पूरे सबके जीवन का महत्वपूर्ण दिन है, शायद जीवन में ऐसा किसी ने ना दिया, हम लोग हमारे पूर्वज लोगों ने भी इतना महत्वपूर्ण दिन नहीं देखा होगा। राम कभी 14 वर्ष के बाद वनवास आए थे, आज कितने 100 वर्षों के बाद वो अयोध्या नहीं पूरे देश में आ रहे हैं, पूरे विश्व में आ रहे हैं और इस तरह से सनातन धर्म की जो पुनर्स्थापना हो रही है कहें। कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। सर आज का दिवस मन और आत्मा दोनों को आह्लादित करने वाला है। आज हम सभी लोग इतने प्रसन्न खुश हैं और ऐसे महापुरुष अपने स्थान पे विराजित हो रहे हैं। अगर कितना बड़ा दिन है आप लोग के लिए? हम मिर्जापुर से आए हुए हैं, आज हमारे देश में सर्दी नहीं लग रही आज, नहीं सर्दी वर्दी राम भगवान के तरफ से सर्दी चला गया है। आपने आज तक देखा कि हुजूम है आज काशी के 80 घाट पर? बिल्कुल, तो काशी में भी आज जय श्री राम का उद्घोष सुनाई दे रहा है और लोगों की खुशी देखते ही बन रही है, यही भावनाएं आज देश के यहाँ तक कि विदेशों में भी रहने वाले राम भक्तों की है। गोरखपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गोपाल, गोरखपीठ की बात की जाए तो राम मंदिर का जो संघर्ष रहा, इसकी जो लड़ाई रही, उसके लिए गोरखपीठ ने भी अपना योगदान दिया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके भी अपने गुरु अवैधनाथ जी को याद किया। बिल्कुल, आज राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप दिख रहा है, उस भव्य स्वरूप में इस पीठ का विशेष महत्व है। 1885 से लेके और आज मौजूदा वक्त 2024 तक इस पीठ के महंतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया। 1885 में महंत गोपाल दास ने शुरू किया था और उसको आगे बढ़ाया और 1949 में जब राम मूर्ति वहां पे प्रकट हुई तो उस वक्त की जो पूरी कार्य योजना थी वो महंत दिग्विजय नाथ ने की और महंत दिग्विजय नाथ के गोलोकवासी होने के बाद महंत अवैधनाथ जी ने इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया और उस आंदोलन को आगे ले जाने 2014 में उनके गोलोकवासी होने के बाद पूरी तरीके से जो गोरखपीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ उसको आगे बढ़ाए। तो आज अगर सबसे अधिक कोई खुश होगा तो इस पीठ के महंत और संत सबसे अधिक खुश होंगे उसमें, क्योंकि आज उनका सपना पूरा हो रहा। गोरखपुर के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। सर कितना भव्य दिन है आज का? आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसको संरक्षण में लिखा जाएगा, आज से हजारों वर्षों तक इस दिन को याद किया जाएगा और यह जो है सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है।
इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। ये हिंदू धर्म की स्थापना का दिवस है और भगवान राम की जो है खुश है। हाँ बहुत खुश है, यहाँ से हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ मंदिर से हम लोग को बहुत लाभ मिलता है, हम लोग दर्शन करते हैं। आज अयोध्या में भगवान श्री राम आ रहे हैं, खुश है? हाँ बहुत खुश है, हम लोग अपार खुशी है, भगवान वहाँ आ रहे हैं। तो गोरखपुर के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ तो तस्वीरों में आप देखिए कि गोरखनाथ मंदिर को सजाया गया है, संवारा गया है और फूलों से सजाया गया है। अब जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे और श्रद्धालु आके दर्शन पूजन करेंगे और बाकायदा यहाँ पे जो उत्सव होगा उसको लाइव दिखाने की व्यवस्था भी की गई है मंदिर प्रबंधन के द्वारा। मंदिर प्रबंधन ने यहाँ पे LED लगा रखी है जिससे जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद रहेंगे वो श्रद्धालु यहाँ पे भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा वो LED के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे। और यहीं पे जो है अभी 7 बजे के बाद से धीरे धीरे लोग आना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। शाम के वक्त यहाँ पे भव्य दीपोत्सव होगा, आतिशबाजी होगी। तो इस तरीके से गोरखनाथ मंदिर भी आज पूरी तरीके से तैयार है और वो बस इंतजार कर रहा उस पल की, उस घड़ी की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी आस्था, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, पूरी दुनिया के राम भक्त इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, उस पल का जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी प्रभु श्री राम की। और उसके बाद एक खास नजारा सबको देखने को मिलेगा, जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है वो भव्य मंदिर के ऊपर पुष्प वर्षा करेगा। हर राम रंग आप तक पहुंचाएंगे, हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। महा कवरेज लगातार जारी है।